यूपी में पिछले 5.5 घंटे से वोटिंग जारी है। यूपी में अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग मुरादाबाद जिले की कुंदर की सीट पर देखने को मिल रही है। यहां अभी तक 32% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसी तरह मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर अभी तक 30% लोगों ने वोट डाले हैं, तो कानपुर की सीसामऊ सीट पर 19% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यहां पर मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। सीसामऊ की सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने मुस्लिम वोटर्स की पिटाई का आरोप लगाया, तो मीरापुर में वोटर्स के दो गुटों, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, चाहे फिर हम बात कर लें कानपुर की सीसामऊ सीट की, और इन तीनों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन डरा धमका रहा है वोटर्स को, जिसकी वजह से वोटर्स के जहन में डर पैदा हो रहा है और वो मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। वोटर्स अपना मत कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सबके बीच समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि उनके वोटर्स को, खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां उनके वोटर्स को रोकने की कोशिश की जा रही है, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। यूपी में जारी उपचुनाव के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक खत भी लिखा है। इसमें बुर्के में वोट डालने जा रही महिला वोटर्स की पहचान की जांच करने की मांग की गई है। बीजेपी ने इस खत में कहा है कि अगर इन महिलाओं को पहचान नहीं हुई तो फर्जी वोटिंग की आशंका है, इसलिए इन बुर्का नशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही उन्हें वोटिंग की इजाजत दी जाए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अपनी हार को देखते हुए फर्जी मतदान की कोशिश कर रही है। बाहरी कैंडिडेट को बुलाकर बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रची जा रही है। आपको याद दिला दें कि मतदान से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने भी एक लेटर चुनाव आयोग को लिखा था, जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस बुर्का नशी महिलाओं का आईडी कार्ड चेक ना करे, अधिकार सिर्फ मतदान कर्मियों को होता है। और अब बीजेपी ने खत लिखा है और कहा है कि इनकी पहचान होनी जरूरी है। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर जानबूझकर के वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।